नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ रोल मिठाई, जिसे बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पे रोल बनके तैयार हुए हैं। आप देख रहे होंगे कितने खूबसूरत यहाँ पे रोल बनके तैयार हैं। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं रोल को। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें डाल देते हैं देसी घी 1 चम्मच और आधे चम्मच ही हम यहाँ पे सूजी ले लेंगे। सूजी हमने यहाँ पे महीन वाली ली है और अब हम इसे चलाते हुए हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए घी में अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से सूजी को मिलाते जाएंगे। आपने काजू रोल खाया होगा, मूंगफली रोल खाया होगा, पर आज मैं आपके लिए सूजी के रोल मिठाई लेके आई हूँ, जो बहुत ही जल्दी घर की चीज़ों से ही बन जाते हैं। और सूजी हमारी को हमने 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से हल्का सा भून लिया है, बस इसका हल्का सा कच्चापन को दूर कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध, तो 1 कप हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारी जो सूजी है वो 1/2 कप है, तो इसमें 1 कप दूध डालेंगे। अब हम इसे धीमी आँच में इस तरह से चलाते रहेंगे और जितनी हमारी सूजी है उतनी ही हम चीनी डालेंगे, 1/2 कप। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर आधे कप चीनी इसमें डल जाती है, काफ़ी पर्याप्त होती है वो। इसी तरह की आपको हमारी मिठाई की रेसिपी अच्छी लगती हो तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि किस तरह की मिठाई की रेसिपी आपको अच्छी लगती हैं, तो मैं उस तरह की आपको मिठाई की रेसिपी लेके आऊँगी। और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। और इस तरह से अब हम इसे धीमी आंच में पकाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए और बहुत ही बढ़िया ये पक जाए। 3 से 4 मिनट बाद ये हल्की सी इस तरह से गाढ़ी सी हो जाएगी। आप इसमें अच्छे टेस्ट के लिए और ड्राई फ्रूट भी बारीक कटे हुए डाल सकते हैं या फिर काजू का पाउडर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है, इसको मिठाई का टेस्ट देने के लिए। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें काजू का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर किसी काजू के पाउडर और मिल्क पाउडर के बिना सूजी से भी रोल बनाए जा सकते हैं। और अब हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे, तो थोड़ा सा हम 1/2 चम्मच के करीब इसमें देसी घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से हम चलाते रहेंगे तो ये मावा की जैसे कंबाइंड हो जाएगा, एक डो में सिमट आएगा और 2 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। इसी से आज हम पूरी मिठाई बनाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये देखें, ये बढ़िया से पक के तैयार हो गया है और एक डो की तरह सिमट रहा है, बहुत ही बढ़िया चिकना सा बन के तैयार हुआ है। इसे हम निकाल लेंगे, ये पक के तैयार हो गया है। और इसी से अब हम मिठाई बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ले ली है और इसके थोड़े से हिस्से को हमने इसमें डाल दिया है, यानी 2 भाग हमने बचा लिया है और 1 भाग सूजी के इसमें कटोरी में ले लिया है। इसमें मैंने बारीक कटे हुए पिस्ता डाल दिए हैं, आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं या फिर बादाम डाल सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा 1 पिंच के करीब ग्रीन फ्रूट कलर भी डाल देंगे, जिससे इसका कलर बदल जाएगा। आप चाहें तो इसे कलर से भी सिर्फ बना सकते हैं, पिस्ता ना डालना चाहें। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, बस हमें इसे अच्छे से मिला लेना है, तो ये स्टफिंग हमारी अंदर के रोल के लिए तैयार हो जाएगी। बहुत ही इजीली ये बनके मिठाई तैयार होगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और बस अब हम इसे निकाल लेंगे और इस पर हल्का सा तेल लगा लेंगे। मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है यहाँ पर, उस पर तेल लगा लिया है और 1 हिस्से को इस तरह से हम पहले रोल करेंगे। इसे हमें अच्छे से रोल कर लेना है, तो पूरा जो भी मिश्रण हमने बना के तैयार किया है सारा हम एक बार में ले लेंगे
और इस तरह से हाथों से इसे रोल कर देंगे। तो इस तरह से आप त्योहारों पर घर पर ही बहुत ही इजीली मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने रोल को हाथों से हल्का हल्का पतला कर लेना है, इस तरह से बस करते जाना है और ये पतला हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट ले ली है, उस पर भी तेल लगा लिया है और दूसरे वाले भाग को अब हम इसके ऊपर डालेंगे। और इसका अब हम रोल बना के तैयार कर लेंगे। तो इस भाग को भी हमने निकाल लिया है, हाथों से थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि ये चिकना सा हो जाए और एक डो की तरह सिमटने लगे। और हमने इसे चिकना कर लिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चिकना हो गया है। तो अब हम इसकी एक लोई बनाकर तैयार कर लेंगे हाथों से, जैसे रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, ठीक हमें उसी तरह की लोई बनाना है, पर वो साइज में बड़ी होगी। अब हम इसे इस तरह से फैला देंगे। आप चाहें तो इसे बेलन की सहायता से भी बेल सकते हैं। इस तरह से ऊपर से प्लास्टिक शीट रख के हाथों से भी दबा के इसे फैलाया जा सकता है, पर मैं इसे थोड़ा सा बेल लूँगी तो बहुत ही पतला रोल बन के तैयार होगा। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना ना भूलें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और किस तरह की रेसिपी आपको पसंद है वो भी बताएं। अब बस हमारा ये शीट बिल्कुल तैयार हो गया है, तो रोल को हम इस तरह से कवर कर देते हैं। बस इस तरह से हमें कवर करते जाना है। बहुत ही टेस्टी सा ये रोल बनके तैयार हो जाएगा, जो देखने में इतना खूबसूरत लगेगा, बहुत ही बढ़िया दिखेगा। आप इस तरह से इसे रोल कर सकते हैं, चाहे तो इसका एक्स्ट्रा पार्ट हटा सकते हैं। तो मैं भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट निकाल लेती हूँ। इस तरह से हटाने के बाद अब हम इसे हाथों से अच्छे से रोल कर देंगे। पॉलीथीन को इस तरह से करने के बाद हाथों से अच्छे से चिकना करेंगे। रोल को जितना पतला मोटा आप रखना चाहें रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे पतला कर दूंगी। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं इसे बीच से कट कर देती हूँ और इस तरह से चाकू की सहायता से हम इसे कट कर देंगे। चाहे तो चाकू पर हल्का सा तेल भी लगा सकते हैं आप। और बस अब हम इसे हाथों से दोबारा से घुमाएंगे। ये छोटे छोटे हो गए हैं तो आसानी से ये घूम जाएंगे। अब बस हमने देखो रोल बना के तैयार कर लिया है। तो सारे रोल हम इस तरह से मिठाई बनाकर तैयार कर लेंगे, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है, बढ़िया लग रही है देखने में। रोल को अब हम इस तरह से छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। आप चाहें तो फ्रिज में रख के जल्दी सेट कर सकते हैं ना, और मैंने भी इसे फ्रिज में रख दिया था तो बहुत ही जल्दी सेट हो गए हैं। चाकू की सहायता से अपने मन चाहे पीसेस में कट करेंगे, थोड़ा लंबे या छोटे। तो एक रोल के साइज से ही हम सारे साइज बना लेंगे। इस तरह से इसे काटते जाएंगे और बगल से रख के काटते जाएंगे। इस तरीके से इसे एक साइज के हमारे रोल कटेंगे, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। रोल हमारे बनके तैयार हैं। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करिएगा और इसी तरह की नई नई हम रेसिपी लेके आते रहेंगे। मिलते हैं और इसी तरह के नए रोल के साथ।